अस्सलाम वालेकुम तमाम दोस्तों को, उम्मीद है तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों एच डी कैटल फार्म का इवेंट का जो है वो आपसे जिक्र किया था, तो आज एच डी कैटल फार्म के इवेंट पे आ गया। अभी स्टार्ट होने हैं, प्रिपरेशन चल रही है, लोगों का आना हो रहा है और मुजम्मिल भाई थोड़े से जो है ना अभी शाये भी हुए हैं और कंफ्यूज भी हुए हैं। सबसे पहले उन्हीं से मिलते हैं और क्योंकि वो बिज़ी हो जाएंगे उसके बाद, और पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मैंने इन्होंने मुझे क्या टास्क देना है। एक मिनट हाँ, तो इन्होंने मुझे क्या टास्क देना है। आप देख सकते हैं माशाल्लाह काफ़ी बेहतरीन सा सेटअप, खूबसूरत सा जो है ना दिख रहा है, मेरे अलावा सब कुछ अच्छा दिख रहा है, मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है। वालेकुम अस्सलाम। तो आना जो है ना वो यूट्यूबर्स का भी काफ़ी आ गए हैं, ये पीछे मिल भी रहे हैं। बाकी कैसा रहता है, क्या होगा और मैं कैसे ये कुछ बना सकूँगा कुछ पता नहीं है। तो फैंस अभी से ही दो सेल्फीज तो हो चुकी हैं, आगे क्या होगा और देखते हैं। खैर बहरहाल उम्मीद इंशाल्लाह पसंद आएगा, ये फर्स्ट है कोई ऐसा इवेंट हो रहा है। बाकी अपने दोस्तों से, मेहमानों से आपको मिलवाते हैं, शुरू करते हैं, जहीम भाई से ही मिलवाएंगे और फिर इसके बाद इसका एक्सपीरियंस भी लास्ट में शेयर करेंगे कैसा रहा, ये इवेंट कैसा हुआ और क्या सीन था ये। ठीक है जी, जुड़े रहिएगा, उम्मीद इंशाल्लाह वो पसंद आएगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इवेंट कैसा लगा आप लोगों का। अच्छा जी, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से यहाँ पर सिटिंग है और बड़े ही खूबसूरत लोग आए हैं, खूबसूरत जगह। ये अभी थोड़े से बिजी हैं भाई, शामिर भाई अभी पहुँचे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप कैसे हैं? रज़ा भाई भी मैसेजेस कर रहे हैं और कि भाई यहाँ लोकेशन का थोड़ा सा हो रहा है, लोग कह रहे हैं कि यार दिख नहीं रहा, कोई बोर्ड हो जाए। अभी अब लाइव चला रहे हैं ना? नहीं, अभी तो खैर वीडियो है, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अब जो है ना आइंदा के लिए है कि भाई रोड पे थोड़ा रिफ्लेक्शन वाला इंशाल्लाह ऐसा बन जाए। मुजम्मिल भाई बात करें, थोड़ा सा बिजी हुए मैं अभी, कंटिन्यू कर। चले जी, फाइनली मुजम्मिल भाई चेक कर लिया आपने एक्सपोजर वगैरह। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो भाई खैर मुबारक भाई। मुजम्मिल भाई क्या सीन है, तैयारियां हो गई हैं आपकी कैमरे की? तैयारियां हो गई हैं, अभी जो है ना वो ऑडियंस थोड़ी सी मैं समझता हूँ लेट हो गई है, उनका वेट हो रहा है भाई। यहाँ पे कराची है, जरा मामला ऐसे चल रहा है। किया था और अभी क्या टाइम हो रहा है? 8:30 हो गए हैं, तो आ रहे हैं, अभी भी आए माशाल्लाह। ये लोग आ जाए क्योंकि खड़े हुए हैं, इवेंट ही जो है वो शौकीनों का है, शौकीन नहीं होंगे तो फिर हम क्या करेंगे इवेंट करेंगे। ये बात तो है, बाकी आपकी तैयारियां हैं? हमारी तैयारियां कंप्लीट है, हमारा पूरा ये पेपर है, ये निकाला है, आज का एग्जाम है। अस्सलाम वालेकुम ज़हीम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं, अल्लाह करे। हमने आपने तो माशाल्लाह अपनी तरफ से एफर्ट जबरदस्त कर दिया, अल्लाह करे कामयाब भी हो हमारा इवेंट। अभी तक जो एक नया चीज है, जो बात है इसमें, अभी तक ये मुजम्मिल भाई का ये आइडिया था जिन्होंने शेयर किया था ज़हीम भाई के साथ, उन्होंने माशाल्लाह इसको फिर कह रहे कि इम्प्लीमेंट करने के लिए किया है। अभी देखते हैं इंशाल्लाह, अभी तक तो माशाल्लाह अच्छे मामला दिख रहे हैं। पहली मर्तबा है ना, एक चीज तो हिचकिचाहट होती है, हिचकिचाहट है, बहुत सारी चीजें। टाइमिंग्स का भी थोड़ा सा होगा, हो सकता है कि हम खुद, मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है कि हमने 8 बजे का टाइम दिया था, बट हम थोड़ा सा लेट हो गए, लेकिन होपफुली अल्लाह ने करम किया तो इंशाल्लाह। ये नहीं तो इंशाल्लाह आपकी दफा, अगली दफा सीखे इंशाल्लाह करेंगे। चले जी, ऐसे इवेंट्स होते रहेंगे बकरीद तक और आफ्टर ईद भी इंशाल्लाह। आपका हमारा जैसा प्लान है कि आफ्टर ईद भी इस तरह के इवेंट रखे ताकि लोगों का शौक जागता रहे। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह, एचडी कैटल फार्म भाई नया से नया करता रहेगा इंशाल्लाह। मुजम्मिल भाई आप भी जरा करें, वरना ज्यादा कर नहीं सकते, वरना बहुत लंबी लंबी आना बहुत लंबा लगेगा। चले जी, मिलवाते हैं दूसरे दोस्तों के पास जाके आपको। अच्छा जी, ये देख सकते हैं थोड़ी सी और प्रिपरेशन हो गई है और मुजम्मिल जो है अभी किसी को इंटरव्यू भी दे रहा है, कोई चैनल वाला होगा। बाकी जो है वो अभी माइक चेक वगैरह भी कर रहा था। यहाँ पे और भी दोस्त आए हैं, यहाँ पे भी ये माशाल्लाह यूट्यूब चैनल वाले भी हैं। उमर भाई, दो उमर हैं ये, एक तो कल दिखाया था मैंने, कल क्या मतलब वीडियो तो पता नहीं कब आएगी, एक ये इन्फोटेनमेंट। मास्क, कोरोना चला गया भाई, कोरोना चला गया, अभी उतारो शाबा, लास्ट डोज रहेगी उसके बाद इंशाल्लाह होते जाएगी। आप मेरे चैनल पे तो उतारो नेक्स्ट टाइम। वजाहत भाई, वजाहत नाम है ना आपका? वजाहत भाई आपका यूट्यूब पे है या फेसबुक? यूट्यूब पे भी है, मंडी क्रेज। सही 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 सही। तो उमर भाई इन्फोटेनमेंट और ये काउ मंडी 021, क्या हाल है? खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक, आप सुनाएं? ठीक भाई, वीडियो आपने स्केड्यूल कर दी इतनी लंबी? नहीं नहीं, वो गलती से लंबी हो गई थी, आज करनी थी, वो हो गई है, रिलीज कर दी, हो गई है। मैं रास्ते में था, आज का लगाया था लेकिन। अच्छा अच्छा, चलो। अच्छा जी, ये देख सकते हैं, अगर जहाज गुजरेगा बिल्कुल आवाज नहीं आएगी तो रोकता हूँ।
अच्छा जी, इवेंट का आगाज मुजम्मिल भाई ने जो है वो कर दिया है, और तिलावत कुरान पाक के लिए मुझे जो है ना बुलाएंगे। यहाँ पर बछड़ी खुल गई है, मेरी सांसें खुश्क हो चुकी हैं। अच्छा, मुजम्मिल भाई खुद कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, चले ये भी अच्छी बात है। माशाल्लाह, कवरेज के लिए एच डी के तलफामे कवरेज के लिए भाई जबरदस्त सारे लोग। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العظيم। अच्छा जी दोस्तों, नात हो गई। असल में मुझे समीत की कॉल आ रही थी, वो रास्ते में भटक गया है, तो इस वजह से यहाँ पर अभी मुजम्मिल जो है ना वो ब्रीफ कर रहा है। ये देख सकते हैं माशाल्लाह पब्लिक पूरी भर चुकी है, और यहाँ पे हमारे यूट्यूबर और फेसबुक वाले कवरेज के लिए खड़े हुए हैं। तो मुजम्मिल जो है ना वो यहाँ पर बता रहा है कि कैसे क्या होगा और कौन क्या करेगा। तो बाकी ये कि जैसे जो आगे मामला होते हैं फिर उसको हम कवर करते हैं, वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी यहाँ पर। और भी माशाल्लाह पीछे देख सकते हैं, लोग आ रहे हैं और जो है ना हो रहा है मामला। अच्छा दोस्तों, राउंड वन स्टार्ट हो रहा है भाई, और यहाँ पे अब सवाल करने जा रहे हैं। अपनी ऑडियंस को बताता चलूं कि जो है ये लाइव भी दिखाया जा रहा है एचडी कैटल फॉर्म के चैनल के ऊपर इवेंट, और इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर अगर ये आप लोगों ने जितने भी भाइयों की वीडियोस रिकॉर्ड हो रही हैं उनको सक्सेसफुल बनाया, उनको लाइक किया, सब्सक्राइब किया, पेज को फॉलो किया, तो नेक्स्ट ईयर इसको हम लाइव भी करेंगे और लाइव भी लोगों को पार्टिसिपेट होने का मौका देंगे। तो पहला क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान सा सवाल है कि बछड़ा यानी बड़ा जानवर जो है, बछड़ा या गाय, वो किस उम्र में जो है वो दो दांत होता है? तो इसका भाई काइंडली जो है वो हाथ उठा लीजिए भाई, बच्चों की बात हुई थी भाई, बहुत इजी क्वेश्चन है। चले जी, वालेकुम अस्सलाम, सही जवाब देगा शहीर। शहीर भाई हमारे साथ हैं, शहीर भाई जवाब दीजिए। 26 से 28 मंथ्स तक हो जाता है। बिल्कुल सही जवाब है शहीर भाई आपका, तो लीजिए फर्स्ट गिफ्ट है पर जाए वो आपका हुआ, थैंक यू सो मच। अच्छा ये भी मैंने थोड़ा सा एक मैं चाहूंगा कि जो भी भाई एक मरतबा कोई प्राइज विन कर चुका है तो वो कोशिश करे कि वो पार्टिसिपेट अगेन, ये कोई रूल नहीं है, आप दोबारा भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि हर बंदा कुछ ना कुछ जो है ना वो विन करके जाए, तो जो एक मरतबा विन कर चुका है वो कोशिश करे कि वो दोबारा हाथ रेज ना करे, लेकिन इसके कोई इशू नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे मुजम्मिल भाई मैं आपको बता दूं गिफ्ट ज्यादा है, माशाल्लाह ज़हीम भाई ने बहुत जबरदस्त जो है ना इंतजाम किया, गिफ्ट जो पीछे पड़े हैं इसके अलावा भी और है, बछड़ा है, सहवाल नस्ल की गाय, तीन निशानियां बतानी, ओए ओए, ये वो सारे सवाल आते हैं। तो मैं मानी भाई हम लोग जो लाइव सेशन मंडी में कर रहे होते हैं या हम किसी जानवर को बोल रहे होते हैं ना कि यार ये सहवाल है, तो हमारे लाइव सेशन में ऑडियंस जो है वो कमेंट कर रही होती है आपने कैसे पहचाना, तो मैंने ढूंढ करना वही बेसिक क्वेश्चन निकाले, तो आ जाइए आ जाइए, बिल्कुल बिल्कुल आ जाइए, छोटे छोटे बच्चे हैं ये बच्चे भी, मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा कि बच्चे ज्यादा थोड़ा सा करीब करीब भी सही जवाब देंगे ना तो मैं तो उनको गिफ्ट दे दूंगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम,
अल्हम्दुलिल्लाह तीन उसके जो निशानी है सही है ठीक है। दूसरा उसका रेड कलर ठीक है। उसके क्या नाम है खुर के ऊपर से निशान और काले निशान खुर तो तकरीबन सभी के ही काले होते हैं। यहाँ से कलर जो है डार्क होते हैं नहीं और नहीं, एक और मैं तो कहूंगा कैंसिल कर दो। बहुत नहीं, नहीं मिलना चाहिए। तो ऐसी एक और बता दें आइडेंटिफिकेशन जो उसको क्वालिफाइंग थोड़ा सा कंपैरेटिवली बहुत सख्त हूं मैं। दूध देने में सबसे अच्छा नहीं हां दूध देने में अच्छी होती है। आपका नाम सबसे अच्छी नहीं होती। हमजा भाई ने जो है वो विन कर लिए सेकंड गिफ्ट हैंपर। ये लीजिए सर थैंक यू सो मच। बिल्कुल नया नया शौकीन होगी ज्यादा नहीं बाकी एक अभी स्टार्ट किया तो इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके शौक में बरकत दे। चलिए आमीन। मुजम्मिल अरे तीसरा सवाल जो है वो भी इंटरेस्टिंग है और सवाल सुनते हैं फिर देखते हैं कौन जवाब देता है। इन्होंने बताया है कि साहिवाल रंग की जो गाय है वो लाल रंग की होती है। इन्होंने उसकी आइडेंटिटी में बताया है लेकिन अब मैं ये पूछना चाहूंगा तीसरे सवाल में कि लाल रंग के अलावा और किस किस रंग के अंदर साहिवाल नस्ल की गाय होती है या बछड़ा होता है उसमें कौन कौन से रंग होते हैं ये आपने बताने हैं। बाद में आके बताएगा बंदा तुम बताओ। बहुत आसान सवाल है बहुत आसान सवाल है। बड़ी एज के लोग बैठे हैं यहाँ माशाल्लाह तो बहुत ही आसान है। तीन जवाब ये अगर मैं आपसे पूछूं आपको पता होगा। माशाल्लाह मुझे इस बात की खुशी है कि ये शौकीन ये चेक करें शौकीन सब नहीं हो सकती ऐसा कोई नहीं है ऐसी बात नहीं है। साहिवाल में हर कलर का होता है व्हाइट भी ब्लैक भी और रेड कलर। नहीं नहीं हर कलर का तो प्योर साहिवाल की बात हो रही है वो तो फिर एक मिक्स ब्रीड में चला जाएगा ना क्रॉस ब्रीड में चला जाएगा तो उसमें तो फिर किसी भी तो यार तो बच्चा है साहिवाल ब्रीड है ये तो बच्चा उसमें बेसिक मुजम्मिल भाई दे दो रंग आते हैं चितकबरा चितकबरा फ्रंट है बिल्कुल अलग रंग है चितकबरा अपना जवाब थोड़ा तो सोचो बहुत जल्दी से है? आप इसका जवाब दें भाई मैंने आपसे पूछा आप बताओ। ब्राउन लुकड़ा भी जो है वो साहिवाल में आता है। वैसे मैं इसका करेक्ट आंसर बता देता हूँ अगर कोई और बताना चाह रहा है पहले तो वो हाथ रेस कर ले। कोई और बताना चाह रहा है आया आया बच्चा ये आ जाइए आ जाइए आ जाइए बच्चे ऑरेंज वाले ने उठाया था यार चलो आपको मैं दूसरे सवाल में यहीं आप रहिएगा अगर इन्होंने सही जवाब दे दिया तो फिर आपको दूसरे सवाल में इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम क्या नाम है आपका। मेरा नाम है हमजा। वाह भाई मेरी जहाँ तक नॉलेज है वो लाइट ग्रे जो होता है ना लाइट ग्रे वो उसमें आता है। नहीं नहीं लाइट ग्रे में थरी में आता है वो तो। नहीं लाइट लाइट ग्रे में तो थरी आता है आप ऑडियंस के सामने आ रहे तो इसलिए जो है ना वो हम साइड में आ रहे हैं। अच्छा जी ऑरेंज शर्ट वाला मैं तो समझा था बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है ये मुश्किल है। आशिम भाई बताइए क्या जवाब है। ब्लैक के एक लाल रंग में आता है व्हाइट और ब्लैक में आता है साहिवाल। व्हाइट और ब्लैक तो ये बता चुके हैं ना जो कि व्हाइट और ब्लैक मिक्स में नहीं आता मिक्स में नहीं सेपरेट हाँ सेपरेटली ब्लैक कलर में भी आता है साहिवाल और एक रेड कलर में आता है और रेड और ब्लैक का मिक्स आता है यानी कि आपने देखा होगा गर्दन के ऊपर ब्लैक होता है और बाकी जो उसका जिसे मैं वो चेंज हो जाता है कलर और एक होता है कंप्लीट ब्लैक होता है कंप्लीट शामिर मेरे टाइम से वो चेंज हो जाता है। शामिर भाई आप क्या कह रहे हैं। अच्छा आप नहीं नहीं मैंने मैंने गलत जवाब दिया था वैसे भी ये आपकी बात कुछ कह रहे थे। हाँ जैसे बचपन में लाल पैदा होता है फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक होता जाता है जिसकी मिसाल शायद मैं बोलूँ राजा भी है। तो वो कलर नहीं वो तो कलर चेंज होना हो रहा है सही बहुत तो यहाँ पे जवाब है लेकिन थोड़ा सा ना ये ट्रिकी क्वेश्चन है। सही है ये बताएं कि अबलग रंग का जानवर कौन सी नस्ल का होता है। आप दोनों में से आता है किसी को जवाब। बहुत आसान जवाब क्या कह रहे हैं सवाल क्या अबलग नस्ल का जानवर अबलग तो नस्ल ही नहीं है। अच्छा ये ट्विस्ट है ट्विस्ट है कौन सी नस्ल में आते हैं। तो अली आप देखें ये बच्चा आ रहा है गुलाबी अबलग और गुलाबी दोनों अलग अलग रंग है। चले आपको भी इंशाल्लाह मौका देता हूँ आप बेफिक्र हो जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए। असल में वो छोटे नहीं वो छोटे है ना तो वो चाह रहे हैं कि जैसे है ना बच्चों को तो लाजमी मौका देना इवेंट ही बच्चों के लिए रखा है।
जी भाई बताइए, ब्लैक और व्हाइट? ब्लैक और व्हाइट नहीं, मैं पूछ रहा हूँ अलग नस्ल का जानवर, अलग रंग का जानवर किस नस्ल का होता है? वो तो किसी भी हो सकता है। नहीं देखा, और कोई देना चाहे आप, अब खड़े हो जाए भले, कोई मसला नहीं है। रश हो जाए, बहुत रश लगता है यार इंशाल्लाह सबको। मेरी तो ख्वाहिश है कि भाई किसी को खाली हाथ नहीं भेजना, और किसी को बता जवाब। इतने माशाल्लाह एल्डर्स बैठे हुए हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मुझे मैंने अपनी ऑडियंस को जवाब दे दिया। लेकिन सेकंड टाइम ये विन कर, मैं इनको बिल्कुल आखिर में मैंने बुलाया क्योंकि पहले विन कर चुके हैं, लेकिन आई गेस ये सही जवाब देने वाले। मुजम्मिल भाई उसका कोई नस्ल नहीं होती, वो दो कलर होते हैं सिर्फ। अब लग बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन मैंने बोला था ट्रिकी क्वेश्चन है। अब लग कोई नस्ल नहीं होती, और ये वो कमेंट है जो हमारी वीडियोस में बेताशा आता है यार, अबलग कौन सी नस्ल होती है? अबलग जो है वो प्रिंट का नाम है, जो दो प्रिंट वाला जानवर होता है ना, जिसमें बड़े बड़े स्पॉट्स होते हैं, जिसमें जैसे ब्राउन एंड व्हाइट भी हो सकता है, ब्राउन और ब्लैक भी हो सकता है, ब्लैक और व्हाइट भी हो सकता है। अभी बड़े बड़े स्पॉट्स मैंने दिए हैं, इसको आप अबलग बोलते हैं। किसी भी नस्ल में हो सकता है, सहवाल मेरी ऑडियंस जानती है, मैं जवाब पहले भी दिया। किसी नस्ल का नाम ही नहीं है अबलग, जो है ये प्रिंट का कलर का नाम है। चले जी, आप सेकंड टाइम जो है वो क्वालिफाई हो गए। मुजम्मिल भाई वैसे एक और सवाल कर सकते हैं, और सिक्का क्या होता है? और सिक्का क्या होता है? मुझे ग्रे का कलर सा आ जाता है, बिल्कुल सिल्वर सा, ये अंदर के खाल के अंदर होता है वो। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत आ रहा है, अब मैं अफसोस से बात आई, बहुत आ रहा है, नई चीज है वही आ रहा है, अभी तक तो फिलहाल अच्छा चल रहा है। 24 साल की नस्ल की तीन निशानियां बताइए भाई। मैं क्या करूं, वीडियो तो करनी पड़ेगी ना। तीसरा चौथा सवाल करके क्वेश्चन है, वो आपके बराबर में खड़े है ना, क्या है? सही है, और माथा माथा ऊपर चौड़ा होता, आंखें का गोल और गली की खाप। मैं कह रहा हूँ कि हमारे सारे दोस्त उधर ना आ जाएं, उधर फैमिली बैठे हैं ना, इस तरफ अपनी टेबल हटा देते हैं, इस तरफ आ जाएं, इधर के लोग हैं ना, इनको ये फोकस। आगे कुछ इजी क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, वो आप लोगों को मैं दूंगा। अच्छा जी, पोजीशन चेंज करनी है, माशाल्लाह एक बड़े सर आए, वो जवाब देंगे। चोलिस्तानी की जो निशानी है उसमें तो ये है कि एक तो उसका वजन ज्यादा होता है, ये तो कोई निशानी नहीं है। बात की जाए तो गिरे गर्दन होती है उसकी, और वाइट होता है, और उठान ज्यादा होती है। ये कौन सी निशानी है? शामिल भाई आप कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे थे? सॉरी निशानियां बिल्कुल भी नहीं होती, जो बात सच है। में ज्यादा होता है थोड़ा थोड़ा ना, बहुत कमेंट्स भी आ रहे हैं किस तरह का तुम लोग चैनल चला रहे हो। नहीं नहीं चैनल क्या भाई, नाव झालर बिल्कुल होती है, कलर में चीना चीना कलर अक्सर होता है, और डॉट्स में आएगा बाकी नहीं, उसकी जो जो माथा है वो चौड़ा नाम लिया जाएगा, आँखों की करीम कैटन गोल्ड फॉर्म में मिलेगी, मिल जाएगा तकरीबन इंशाल्लाह। हमारा भाजी राजू राजू वही आए थे, सवाल में भी आ जाएगा, ब्राह्मण में भी आ जाएगा, कलर से तो आप एक कलर काफी कुछ सीखने को मिलेगा, जो बात है इंशाल्लाह। अभी भी जैसे अंकल आप जीते नहीं है, जाके बैठ सकते हैं यंग अंकल की तो मेरी रेडी नहीं है। सॉरी अंकल, नाव झालर सायवाल में भी होती है और चोलिस्तानी में भी होती है, दोनों में ही अच्छी नाव झालर होती है। तो फर्क कितना है सायवाल में और चोलिस्तानी में? सायवाल की जो झालर है, जो उसकी स्किन है, वो बहुत ज्यादा मोटी स्किन होती है सायवाल की बनिस्बत चोलिस्तानी के। चोलिस्तानी की स्किन इतनी ज्यादा मोटी नहीं होती। अच्छा जी, कॉल आ रही है, मैं जरा पॉज कर रहा हूँ, फिर कंटिन्यू करता हूँ। इस्लाम की तो इन्फॉर्मेशन हर बंदे को है, बेसिक इन्फो, वो आसानी से जवाब दे सकता है। अच्छा दोस्तों, सीन ये है कि समीत भाई भटक गए बहुत बुरे, एक घंटे तंग कर दिया उन्होंने, अभी वो बड़े जानवर की बछड़े की या गाय की। आ जाइए आ जाइए, दो साल आ गए शामिर भाई। ये भी पहले सवाल में पूछा था, कितनी उम्र होनी चाहिए? अभी दो दांत होना चाहिए ना? हाँ तो आप बताओ ना, तकरीबन दो से ढाई साल का होना चाहिए। एग्जैक्ट बताइए, एग्जैक्ट शरई सवाल है। 24 महीने अरे बस कर दो, तुमने जवाब नहीं दिया, मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूं। सेकंड प्लान माशाल्लाह क्वालीफाई कर रहे हैं।
तो ये जो है ना शामिर को नहीं पता था, दो साल दो, अब उमर भाई से पूछूंगा। मैंने पहले दिया था एक तुम्हारा शिकवा ना, मैंने इसमें भाई को पहले बोल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन भी जो है वो थोड़ा सा इस्लामिक है, बकरे से रिलेटेड है, सेम क्वेश्चन। बकरे की कितनी? एक साल कुर्बानी के ऊपर 12 महीने। एक साल बोलो ना कि 12 महीने क्या होता है। लाल क्या पाला? अच्छा जी, लेकिन अब मैं भाई आप तेरी भाई वीडियो कैमरे बंद करो भाई, सॉरी। आप लोग लें दो दांत, उसकी वजह ये है बकरा नहीं गाय। गलत, बकरे की नहीं। दोबारा गैस करने, सेकंड चांस। मैंने बकरे की कुर्बानी बकरीद वाले दिन उसको ज़बह करने के लिए, कुर्बानी जायज होने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए? दांत नहीं, उम्र पूछ रहा हूँ मैं। दांत तो सभी को उम्र भाई हेल्प कर रहे हैं। नहीं अच्छा जी, लेडीज थी इसलिए मैंने कैमरा डाल लिया था भाई। इंट्रोडक्शन कराइए पहले। क्या नाम? असद भाई जी। एक साल अच्छा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऊंट का, सेम क्वेश्चन। 5 साल कितनी एज होनी चाहिए? मैंने तुम जोर से बोल दिया, मुझे पता है, लेकिन वैसे ही मुझे पता था ये चीज। आप आ जाइए, बताओ 5 साल। उमर भाई नहीं, आप तो 5 साल तो विन करके चले गए ना। मैंने भाई 5 साल ओए मैंने मेरी इधर डबल कर दिएगा। अभी देता हूं तुम्हें डबल। इतना सवाल पूछे ना, मुझे गिफ्ट टेंपो मिलनी चाहिए आपकी तरफ से। हां अभी बैठ जाओ। बहुत ही आसान सवाल है। अरे आप देंगे? कौन सा जानवर है? ये मुश्किल होगा मुझे लग रहा है। 6 महीने का भी हो, यानी 2 दांत। अबे यार धुम्बा, तब भी जो है वो अगर उसमें जानवर से जितनी उसका साइज है उतनी हेल्थ है, वो क्वालिफाई कर सकता है कुर्बानी के लिए। देखते कितने सभी उठाने चाहिए यार। भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, मैंने बोला भाई को स्किप नहीं करना चाहिए। अपना नाम बताइएगा। वकार भाई, थोड़ा लाउड बोलिएगा माइक में, बताइए जवाब। दुम्बा, बिल्कुल सही जवाब। ये कौन सा वाला पूछना चाहिए था शामिल भाई? इसमें एक है बात ना, कौन सा वाला जो दिल करे, क्या मतलब जो दिल करे। मैंने स्टार्ट में ही बोला था, अगर कोई चक्की वाला थोड़ी खरीदेगा। मैंने मजाक की बात थी, बच्चों से जवाब देंगे उसका, ठीक है ना? बच्चे इतनी देर से खड़े हुए तो ये आसान था यार। ये तो बहुत ही आसान था ना, बिल्कुल गलत ही हो गई। बच्चों के लिए रखा था मैंने। वो भी बच्चे ये भी आसान है। और जो है वो क्या तारीख? ईद की बकरीद। शामिर बता, पहले इन दोनों को मौका दे दो। 10 10 10 सुन के बताइए यार, इस पे तुम्हारी शक्ल दिखनी चाहिए। मैंने बच्चे का सुन के बताया। आपने मुझसे सारी बात पहले बता दो। आपने बच्चे का सुना फिर पहले कुछ नहीं हुआ। बड़ी दिल को खुशी हुई। अगला जो है ये तो भाई उमर भाई, आपने देखा ना, बच्चे को सुन के बताया था। आप पहले बताइए कौन सी क्लास रही है। अच्छा अब जो सवाल पूछेंगे ना फौरन बताना, ठीक है? उमर भाई तो सारे इधर ही आ जाए, मेरी तरफ नहीं लगा भाई। ये बताइए कि कुर्बानी की सुन्नत किस नबी के दौर में शुरू हुई? आहिस्ता बच्चे को ना पता, जज्बात में आ गया अब शामिर। अब जरा शामिर चले आपको नेक्स्ट, आप बच्चे को बुलाऊंगा, बच्चे को। आप आइए, आ जाइए। ये देख सकते हैं भाई माशाल्लाह, काफी जो है ना अच्छा एक माहौल हो गया। एक्सपेक्टेड जितना था उतना तो हो ही है। अच्छा जो दोस्त है वो खड़े हुए हैं, आप काइंडली आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग बैठ जाइए। कहाँ? सही है, हैंड रेस कर रहे हैं तो सबको देखने का मौका भी नहीं मिलता। इब्राहिम अलैहिस्सलाम, माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा है। इसने जो है ना बच्चे ने जो है ना बहुत अच्छा जवाब दिया भाई, ये बात है भाई। माशाल्लाह। अच्छा जी क्वेश्चन नंबर 15 है, ये भी भाई थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है। नुकरा और गुलाबी बछड़ा जो होता है वो किस नस्ल के होते हैं? ये बछड़े नुकरे और गुलाबी बछड़े
नस्ल थोड़ी है, वो भी नस्ल नहीं है। जवाब दें, नहीं है ना नस्ल, मैंने पहले ही बता दिया। तुमसे पूछना था, बहुत से लोग बोलेंगे विलायती क्रॉस। मुश्किल सवालों में इंशाल्लाह एल्डर्स की तरफ आएंगे। आजकल तो सब गुलाबी नस्ल है, जिस फार्म पे जाओ ज्यादा। नुकरा और गुलाबी बछड़ा किस नस्ल के होते हैं? अगेन मैं बता रहा हूँ, ट्रिकी क्वेश्चन है। वन भाई अब बता रहे हो, आपने आपने हिंट दी है, आ चुका है, आपने हिंट दी है ना, 5 मिनट पहले आ चुका है। नहीं जवाब दो, ये देखिए, ये शाउट नहीं करें, ये चीज गलत है, ये चीज किसी को पता है तो पहले भले बता दे, लेकिन यहाँ नहीं। चले आपको दोबारा मौका देंगे किसी क्वेश्चन में, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे बहुत हाथ उठे हुए हैं, देख सकते हैं आप, काफी हाथ उठ रहे हैं। आया भाई, कोई आया? अच्छा, मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि कुछ जो है ना फनी रहे, वरना तो सब वीडियोस एक जैसे ही बना रहे। आपका नाम बताइए। किस किस में? मोहम्मद उमर जी, जवाब दीजिए। हल्का लाउड, उसकी कोई नजर नहीं होती है, हर कलर तो कलर तो वैसे ही हर कलर में होता। मैंने पूछा गुलाबी और नसल किस नसल का होता है, सवाल सामने सवाल, लड़के किस नसल का होता है जी? जवाब ये सही दे रहा है, जवाब बेचारा, लेकिन इसने एक्स्ट्रा दे दिया, कोई नसल नहीं होती, सही जवाब। अरे कोई नसल नहीं, मैं आपको ना करना था कंफ्यूज। जबरदस्त भाई, जबरदस्त, क्लैपिंग क्लैपिंग। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे मुझे लग रहा है सवाल कम पड़ जाएंगे मेरे, माशाल्लाह सभी क्वालिफाई कर रहे हैं। इनके लिए भाई मुझे याद दिला देना, फिर भूल गया था। वहाँ पे एक बच्चा खड़ा हुआ इंतजार कर रहा है, कब मेरी बारी आएगी। पानी भाई हो क्या रहा है कि मुश्किल सवाल आ रहे हैं। हाँ। बच्चों के लिए कोई सवाल दिख ही नहीं रहा है मुझे, ये थोड़ा सा मुश्किल सवाल है। कोई भी 5 इम्पोर्टेड नस्लें जो है बछड़ों की, गायों की, उनके नाम बताएं। 5 नस्लों के नाम बताएं, पाकिस्तानी और देसी नस्लें नहीं होनी चाहिए, बाहर की नस्लें होनी चाहिए। फ्रीजन, हेरेफोर्ड, ब्राफोर्ड, नीलोर और ब्राह्मण, 5 हो गए, 5 हो गए, 5 बता दी मैंने। उमर भाई आपने सुनी ना, मैंने 5 बजाया, मेरी रिकॉर्ड कर रहे थे ना आप, गवार भाई मैंने बताई है। अच्छा आप इसके अलावा अलग 5 बता, चले आप 5 पाकिस्तानी बता। एक तो बेल्जियम है, एक हो गई, और शामिर भाई ब्राह्मण भी बाहर की है, मैंने बोला मेरे अलावा वाली बताओ। अरे वाह, वो भी बता चुके हैं ये, कोई चालू भी बोला इन्होंने नहीं बोला, आपके 3 हो गए ना, ब्राह्मण को भी कम करें, क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई नहीं, मैंने वो यार यहाँ हमारा कुछ चल रहा है भाई। हाँ भाई शामिर भाई, चले अगले सवाल बताओ भाई। ब्राह्मण हो गई, बेल्जियम हो गई, शार्डले हो गई, नहीं ब्राह्मण हटा दो ना, ब्राह्मण क्यों हटेगी, ब्राह्मण ही चाहिए, बेल्जियम हो गई, दो हो भाई, ये देखो भाई, ये देखो, अरे एक वो भी तो है भाई, आप कांजरिक इंडिया की नस्ल, हाँ चलो ठीक है, 4 कांजरे, ये थरी को भी वही होती है, बहरहाल चलो खैर, 3 हो गई। ऑस्ट्रेलियन, ऑस्ट्रेलियन को वैसे सही एक रह गई, वैसे गिर रहेगा क्या, दूसरा आपने बताया, गिर नहीं होता, गिर होता नहीं, मुझे 5वीं नहीं पता, 4 पता है, मानी भाई निलोर होती है, वो निलोर होती है, चल प्रोनंसिएशन में लगा दूं भाई, चलो खैर, 2 हो गए, 3 रह गए। देखो जवाब पता हो तो फिर हाथ रेस करो, अरे जल्दी से, खुद ने आप एक बार क्वालीफाई कर चुके हो ना, मैं चीटिंग करवाता हूँ, ब्राफोर्ड, और किसी को बताए, ब्राफोर्ड, हेरेफोर्ड, नीलोर, गेम चीटिंग करा आप आ जाइए। ए यार अच्छा, मासूम है, नस्लों के नाम बताने, ब्रीड्स के नाम बताने, काउस में, यहाँ पे इसको भी नहीं आते हैं, इसको शामिल तो नहीं आते हैं, बताए अभी देखते हैं इनका क्या होता है भाई, यहाँ पे भी कंपटीशन होना चाहिए, गली में बाहर कर दिया भाई, अब अगला सवाल और भाई से ले लें आप, अरे लो भाई ये तो गलत, 2 तो आपके भी अलावा बच्चे ने बताए थे, तो गौर से सुनते तो 2 वो आप बता देते, आप क्वालिफाई नहीं आते, फिर मैं आपको अच्छा जी सवाल में मौका दूंगा इंशाल्लाह, देखते हैं कौन जवाब दे पाता है। और कोई है किसी को पता है? सवाल बहुत आसान है, पता नहीं क्यों नहीं जवाब आ रहा है, मैं एंड्रेस कर रहा हूं।
लेकिन ये भाई किया है आवाम के लिए, शौकीनों के लिए। शौकीन तो हम भी बहुत बड़े हैं, लेकिन जो है इनवाइट जिनको। अगला सवाल है कि शार्ले एक ब्रीड है, इंपोर्टेड ब्रीड, ये भी लाइट ब्राउन पहले वाले सवाल के जवाब में था। लाइट ब्राउन कहेंगे अपनी शार्ले की स्पेलिंग बताएं, इंग्लिश स्पेलिंग गोल्डन भी कहते हैं। C H A R R O U V A R अमर भाई बता रहे हैं। L Y अमर भाई से पूछना है जरा। अमर भाई का सवाल है ये, उमर भाई, ये वाले उमर भाई का सवाल है। अब देखते हैं जवाब स्पेल आती है। थोड़ी गलत हो गई। मुजम्मिल भाई साहब पे बहुत ही ज्यादा टफ कोर्स जिसको बोलते हैं मुजम्मिल भाई। मनी भाई आप अगर होते तो मुझे लगा आप बैठते नहीं यार। मैं भी भाई ईमानदारी से वाली बात कर रहा हूं। यहां से ईमानदारी हो रही है, चिटिंग करा रहे हैं आप लोग। उसका क्या सीन है? अच्छा था यार, थोड़ी सी आपने तकरीबन सही। अंगड़ भाई क्या करते फिर आप बताइए। शाला एल क्यों बोल रहे? आ रहेगा शार है, शार वापस में लगी हुए मुजम्मिल भाई ने कहा। नहीं भाई आया आया भाई आए। नहीं 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 आर के बाद सब फंस रहे हैं। मैंने बता दिया मुझे जो याद है ना, सी एच ए आर ओ एल वाई आर ओ यू एल वाई शार्ले शार्ले शारोले मैंने आपका भी कराया था। क्या है सी एच ए आर? जीरो मर्तबा तुमने अलग अलग बताई है। हेलो तो ये तो मैंने रिकॉर्डेड है भाई। हेलो आईएस, हेलो आईएस नहीं बोली थी मैंने। मैं हार गया, मैं हार गया। काफी मेरे ख्याल से सीट्स खाली हैं, काइंडली रिक्वेस्ट है आप करो करो अटेम्प्ट करो। इस पे तो 5000 वाला होना चाहिए था इनाम। बिल्कुल बिल्कुल आप घबरा गए हो, दोबारा अटेम्प्ट कर सब सर्च करके आ जाएंगे। देखना पीछे सर्च हो रहा होगा। अरे वो देखो, ये देखो भाई, देखो पकड़ लिया मैंने। वो सर्च कर रहा, ये सर्च कर रहा बच्चा। सर्च कर रहा ये सर्च करके लिया। हां तो सवाल लगता क्यों है? आ जाओ सर्च करके आ रहे हैं भाई। ध्यान देखो, ये गलती नजर सर्च जो कर रहा है ना उसको नहीं बुला। ये तीसरा आया, ये मुश्किल लग रहा है, मुश्किल लग रहा है भाई। अगर नहीं करके आओ तो मात्रा तो वीडियो देखो। गलत नहीं है, सर्च करके दूसरा मौका नहीं दूंगा। सर्च करके आया था ये असल में मुजम्मिल का दोस्त है वैसे मेरे ख्याल है, शायद सबने सर्च कर लिया है। चले सवाल स्किप करते हैं, अगले सवाल पे चलते। यहाँ पे माशाल्लाह से मैं आपको दिखाना चाहूँ, अगर माहौल जो है एक कामयाब इवेंट इसको ही कहेंगे। यहाँ पे भी भाई ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी लोग खड़े हैं, यहाँ पे भी माशाल्लाह ये देख सकते हैं, माशाल्लाह बच्चे झूला झूल रहे हैं भाई, सही जबरदस्त चल रहा है मामला। मैं इधर था ना, इसका जवाब हमने पिछले साल अपनी वीडियो में बताया था, मैंने अपने व्लॉग में। क्या चीज? HD कैटल फॉर्म जहां आप लोग मौजूद हैं। इनकी वाइफ HD की फुल फॉर्म क्या है? वाइफ के नाम पे इतने सारे हाथ उठ रहे हैं वहां पे। चल रहा है आवाज थोड़ी माइक की बढ़ा दी दूसरा भाई। टू उनकी वाइफ पे है ना, जहीम भाई की वाइफ के नाम पे हीरा डेरी एंड कटर। क्लैप करनी है ना। सही बात है। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 19, मेल का जानवर किसको कहते हैं? ये कौन सी क्रॉस मेल का जानवर? ये भी जो है ना वो एक बहुत शामिल भाई है। विलायती क्रॉस, विलायती क्रॉस नहीं, विलायती क्रॉस में बोलेंगे। दो दूसरी नस्ल, दो अलग अलग डिफरेंट नस्ल को क्रॉस में आएगा, फिर बाहर की और देसी नस्ल। मैंने पूरा जवाब उसे कंफ्यूज कर लिया ना, देसी कोई भी हो, ऑस्ट्रेलियन क्रॉस होता है। सही
ऑस्ट्रेलियन के साथ कोई सी भी देसी नस्ल का रहेगा। हैं अरे यार ये तो रिकॉर्डेड है भाई, अभी कमेंट्स आ जाएंगे। कमेंट आएंगे, ये किसको अपने साथ खड़ा कर लिया जिसको कुछ नहीं। अच्छा जी भाई, मुझे मानी भाई ने कहा है कि तुम जितने गलत दे सकते हो ना दो। मच्छरों में वो कौन सी नस्ल है जिसको हाथ से खाना खिलाया जाता है, हैंड फीडिंग की जाती है? हाँ है सिप्पी, मुझे पता है। और लेकिन ये बहुत ही बड़ा कोई मिस कॉन्सेप्ट है, ऐसा नहीं है। मैंने देखे हैं जो कि बाद में खुद भी खा रहे हैं। नहीं 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 नहीं, अक्सर हाथ से खिलाया जाता है बड़े जो होते हैं ना उनको। हाँ अगर आप ऊपर करके भी देंगे तो खाता है। क्यों मानी भाई? नहीं नहीं, मेरे ख्याल से ये अदब पे बात है, नॉर्मली तकरीबी होगी, थोड़ी बहुत मोटिवेशनल भी रहेगा, लेकिन इंफॉर्मेशन भी आहिस्ता आहिस्ता आप लोग की आई गेस बढ़ती जा रही है। समीर अभी तक नहीं पहुंचा यार, क्या मामला था समीर भाई के? समीर भाई जो है ना रास्ते में उनको समझ नहीं आ रहा था, कॉल करनी पड़ेगी। चले जी मैं जरा पॉज करूँ, एक मतलब वैसे ही क्लैप कर रहे सारे दोस्तों के लिए। ये हुई ना बात, ये हुई ना बात।